हमार झारखंड न्यूज, आपकी सोच, आपकी खबर। विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और सत्ता और विपक्ष के दोनों विधायक पहुंच गए हैं और पालों से वाकिफ हूं मैं, उसका मैं उसका दे रहा हूं। ठीक है, मैं आपके सवालों का जवाब। पहला चीज, अगर ट्वीट हुआ पीयूष हजारिका एक्स यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मिनिस्टर आसाम, अगर ट्वीट हुआ तो अगर ट्वीट में सत्यता थी तो ट्वीट डिलीट क्यों किया गया? आज ट्वीट डिलीट हो गया। दूसरा चीज कि मैं प्रहलाद जोशी जी के घर में था, मैं 11 अकबर रोड में था और मैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी की जानकारी में था, मैं सीएम झारखंड उनके जानकारी में था और मैं लोगों से जब फोटो ही आ गई है तब क्या कर रहे हैं। मुझे एक सूचना मिली है कि अमित अग्रवाल ने राजीव कुमार को जो कलकत्ता में मुकदमा किया है कि हमारा नाम हटाने के लिए पैसा ले रहे थे, तो दो मुकदमे हैं यहाँ, एक वरन का और एक सेल कंपनी का। दोनों में से किसी में उस आदमी का नाम मुकदमे में नहीं है। जितने लोग हैं आप देख लीजिए, चाहे पिंटू श्रीवास्तव हो, चाहे पंकज मिश्रा हो, चाहे उनके जितने इर्द गिर्द में रहने वाले, सारे लोग साजिश के तहत राज्य को लूटा है और ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बक्सा नहीं जाना चाहिए। मैं सारे लोगों से, मीडिया के बंधुओं से, ईडी के सारे लोगों से मैं आग्रह करना चाहिए कि ऐसे लोगों को बक्सना नहीं चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने के मकसद से माननीय मुख्यमंत्री जी के इर्द गिर्द में रहकर झारखंड को लूटने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को सोचना चाहिए, जो झारखंड के लूटने के मकसद से जो उनके साथ में खड़े थे वैसे लोगों से बच के रहना चाहिए। इसको लेकर कभी आंदोलन हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से 1932 को लेकर आंदोलन हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। हम लोग सरकार को आगाह करते रहे कि 1932 के और इस मुद्दे को लेकर आज देख रहे होंगे कि सदन के अंदर, सदन के बाहर और सड़क पर भी आंदोलन हो रहा है। सरकार को चाहिए कि इन आंदोलनों को खत्म कराने के सबसे सुलभ और अच्छा यहाँ दिख रहे हैं, जो भी सबूत दिख रहे हैं, जो भी चीजें दिख रही हैं, वो साफ इंगित कर रही है कि राज्य के अंदर भ्रष्टाचार किस तरह से हावी हुआ पड़ा है और वो सीधे राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर से लग करके आ रहा है, उनके साथ मिलके आ रहा है, उनके अगल बगल आ रहा है, उनके लोगों के लिए आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि सारी बातों को ध्यान में रख करके एक अच्छी सरकार जो इस सारी चीजों को खत्म करे, मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं। लिया है हाउस के अंदर माननीय चार विधायकों को सस्पेंड करने का, बेहतर ये होता है कि हम हाउस के अंदर जो समय मांग रहे थे उनसे वो ट्राई ले सकते थे और इसी के लिए कार्य मंत्रणा समिति होती है। जब हाउस के अंदर कोई व्यवधान हो, कोई संकट हो, बात बन ना रही हो, तो इसके लिए कार्य मंत्रणा बुलाई जाती है। आप हाउस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको तुरंत से कार्य मंत्रणा समिति को बुलाकर जो विषय हाउस में आना है नहीं क्या कहेंगे? ये सरकार के दबाव में कर रहे हैं, सरकार के दबाव में ये काम कर रहे हैं। जब हम लोग राज्य के जन मुद्दा को हम लोगों ने रखने का काम किया, राज्य में इतने बड़े भ्रष्टाचार का उजागर हुआ है, उस पर लोग जेल जा रहे हैं, उनको जेल जाना चाहिए, हम लोग इस पर चर्चा करवाने के लिए बात कर रहे थे। उन्होंने के बाद से इनका एक विधायक की उपस्थिति में उनको भी कर दिया गया। नहीं, जो बस अनमानी है, मनमानी है ये, मतलब जो इच्छा कर रहा सो कर रहा है, सरकार को चलाना है, चाहे गलत करे सही करे कोई मतलब नहीं है। इसका हम लोग आंदोलन करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रत्येक दिन आकर धरना पर बैठेंगे। निकलिए पत्र।
रविचंद्र का।